वहाँ पे कितने सुंदर है ये बन। आपको सुनाई दिया कुछ माता जी? प्रयत्न करके देखता हूँ मैं, मुझे सुनाई देता है क्या नहीं। जो भारत जो मैं यात्रा के लिए मैं निकला हूँ, बहुत समय पहले धीरे कुने। हेलो, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज और एक नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। एक्चुअली इस समय मैं फिलहाल तो वृंदावन में ही हूँ। तो वृंदावन में बोले तो मैं कुछ एक अलग ही प्रांत पे हूँ, जिसे कहा जाता है वंदिर वन, वंदिर वन, जहाँ पे भगवान कृष्ण अपनी सखाओं के संग यहाँ पे गाया चराने आते थे और अपने घर से मतलब अलग अलग तरह के पकवान वगैरह लेके आते थे। जैसे कि उस समय पहले जो गाय को चराने के लिए लोग जाते हैं, अभी भी है बहुत सारी जगह पे उसी तरह जाते थे। और यहाँ पे एक वृक्ष था, एक बट वृक्ष है, जिसमें अलग अलग तरह के म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट लेके आते थे उन लोग, और यहाँ पे बजा के वो लोग मतलब जो हम अभी जंगल में पार्टी वगैरह करते हैं ना, तो उस तरह का समय में वो मतलब मस्तियाँ किया करते थे। तो घूमते घूमते मैं वंदिर वन पे ही हूँ इस समय। मैं दिखाता हूँ वंदिर वन कैसा है। तो ये आप देख सकते हो हर तरफ पे ये जंगल वगैरह है। तो मैं ऐसे ही घूमते घूमते आ गया बाकी दोस्तों के साथ में, तो सोचा था आज ब्लॉग वगैरह ना करूँ ऐसे ही, फिर भी ये जगह देख के मुझे अच्छा लगा तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा ब्लॉग कर ही लेता हूँ। पर यहाँ पे कांटेदार जो पेड़ है काफ़ी है, तो चलने में थोड़ा टेंशन भी होता है। ये देखो आप यहाँ पे गिलहरी भी देख सकते हो, एक छोटा सा गिलहरी। हाँ देखो वहाँ पे कितने सुंदर है ये वन। आप जस्ट इमेजिन उस युग के आज से 5-6 हज़ार साल पुरानी, अभी भी ये संरक्षित है, लोग भी रहते हैं यहाँ पे आसपास में। तो बस यही बना रहा था, ये काफ़ी छोटा सा ब्लॉक रहेगा फिलहाल। सभी लोग यहीं पे हैं, सभी लोग ब्लॉक कर रहे हैं इस जंगल का भी। आगे कुछ है जाना है? नहीं कुछ भी, चलिए आगे चलते मंदिर की ओर। आगे मंदिर है, आपको मंदिर में भी लेके चलता हूँ, और जो वृक्ष के बारे में आपको बताया उस वृक्ष को भी आपको दिखाता हूँ, वो वट वृक्ष है। तो चलिए देखते हैं। कहा जाता है कि वहाँ पे अगर आप कान लगाओ ना तो ध्यान से, तो आपको अलग अलग वाद्य यंत्र का जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है उसकी आवाज़ आपको सुनाई देती है। तो चलिए ट्राई करते हैं कि हमें भी सुनाई देता है या नहीं। तो फाइनली चलते चलते मंदिर के सामने आ ही गया। हम लोग काफ़ी अंदर थे एक्चुअली, जंगल के काफ़ी अंदर चले गए थे। तो चलते चलते मंदिर के सामने अभी आके पहुँच गए अभी हम। तो अभी मंदिर के अंदर चलते हैं और जो वृक्ष है उसको देखना मैं चाहता हूँ कि सच में ऐसा होता है कि नहीं। तो चलिए देखते हैं। सो ये रहा मंदिर। ये रहा ये वृक्ष जो मैंने बोला था, ये रहा ये वृक्ष। तो मैं जैसे कह रहा था ये वृक्ष है, तो उस वृक्ष में से आप अगर कान लगाएंगे ध्यानपूर्वक सुनने की कोशिश करेंगे तो आपको अलग अलग वाद्य यंत्र के जो है आवाज़ें आपको सुनने को मिलेगी। तो चलिए प्रयत्न करते हैं कि सुनने के लिए। देख सकते हो सभी लोग ध्यान पूर्वक कोशिश कर रहे हैं, माता जी भी कर रही है कि कुछ सुनाई देता है नहीं। तो ये रही माता जी कोशिश करते हुए देख सकते हैं। आपको सुनाई दिया कुछ माता जी? कुछ भी नहीं, बारीक आवाज है तो, पर वही बंसी का ऐसे नहीं बोल सकते। हाँ आपको बहुत ध्यान पूर्वक सुनना पड़ेगा शायद। अच्छा, अच्छा। मैं भी कोशिश करता हूँ। तो चलिए मैं भी कोशिश करके देखता हूँ कि सुनाई देता है या नहीं।
नहीं, मुझे तो ऐसा कुछ सुनाई नहीं दे रहा है क्योंकि सामने कीर्तन हो रहा है तो उनका इंस्ट्रूमेंट मुझे सुनाई दे रहा है, इनकी आवाज़ तो मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। तो और भी वृक्ष का बहुत सारा जो ब्रांचेस है निकल के आई हुई है, तो चलिए इसमें भी प्रयत्न करके देखता हूँ मैं, मुझे सुनाई देता है क्या नहीं। अरे नहीं, मुझे कोई सुनाई नहीं दे रहा है। एक्चुअली ये जो पेड़ है, जो बट है, इसमें बचपन में भगवान कृष्ण अपने सखा के संग इसी वृक्ष में बैठते थे, कहीं पे उन लोग भोजन वगैरह क्या करते थे, खाना वगैरह यहीं पे खाते थे, फिर नीचे में वो लोग लाइक वहाँ पे लाइक गाना वगैरह बजाते थे, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट, कोई मृदंग, कोई बांसुरी, अलग अलग जिस समय में जो भी इंस्ट्रूमेंट हुआ करता था वो बजाया करते थे। और ये काफ़ी मतलब फेमस प्लेस है, लोग काफ़ी आते हैं यहाँ पे। तो मेरा इस जो भारत जो मैं यात्रा के लिए मैं निकला हूँ, इसमें ये भी मेरे लिए एक अलग ही एक्सपीरियंस है मेरा, जो चीज़ को मैं जानना चाह रहा था। तो चलिए मैं कोशिश करता हूँ वो आवाज़ सुनने की। हाँ पता नहीं अभी वो एग्जैक्टली क्या साउंड में बोलूँ, लिटिल बिट यू नो इट्स काइंड ऑफ मृदंग के जैसे साउंड था। तो अभी ये साउंड एग्जैक्टली कुछ अलग ही है या फिर क्या है पता नहीं। अच्छा कहाँ पे आया आप? यहाँ यहाँ पे अच्छा अच्छा गोटे पट कान बंद करी टिके देले बहुत समय थाइले किंतु धीरे कुने पखिते चुम कर दिए। अच्छा तो माता जी को सुनने को मिली है, मिली है। तो फिर चलिए आगे, वहाँ पे अलग अलग डीटीस है, चलिए उनका भी दर्शन करता हूँ मैं, वहाँ पे माथा टेक के आता हूँ। ये एक सिद्ध पीठ भी माना जाता है इसको, तो चलिए वो भी संपन्न करते हैं। भक्ति भी जरूरी है, बाकी सभी एक्टिविटी के साथ साथ में। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी ठाकुर जी और राधा रानी को यहाँ पे आप देख सकते हैं। और आगे है ठाकुर जी, राधा रानी और भक्त हनुमान जी। यहाँ पे भगवान जी और दाऊ बलराम जी यहीं पे है। तो मेरी तरफ से आप सबका भी दर्शन कराता हूँ, और आपकी तरफ सबकी तरफ से मैं बलदेव और भगवान श्री कृष्ण के सामने पे नतमस्तक करता हूँ। आप दर्शन कर सकते हैं यहाँ से। जी प्रभु जी, मेरा अमेजिंग ट्रेकर बोल के एक चैनल है। हाँ जी, नहीं नहीं, मैं आसाम से हूँ, मैं देखने में थोड़ा बहुत लगता हूँ। यहाँ के जो मुख्य पंडित है तो मुझे पूछ रहे थे कि आप पंजाब से हो, मैंने बोला नहीं नहीं, तो आई थिंक ये बिहार वगैरह के लिए ऐसा दिख रहा हूँ मैं। तो चलिए आज के ब्लॉग में और क्या क्या आपको दिखा सकता मुझे नहीं पता, मैं पहले भी बोला हूँ ब्लॉग की मोड में नहीं था आज मैं, पर फिर भी जगह कुछ अच्छा लगा तो मैंने चलो कर लिया है। इसलिए मैं निकलने के बारे में सोच रहा था क्योंकि आगे मुझे ट्रैकिंग वगैरह के लिए जाना है। तो चलिए मिलते हैं।